नमस्कार दोस्तों दोस्तों जैसा कि आंसर की आए है 25 और 26 तारीख को जो री एग्ज़ाम हुआ था उसमें जो आंसर गलत है उसके ऑब्जेक्शन करने के लिए ऑब्जेक्शन का लिंक नहीं मिला था। इसकी दिक्कत सॉर्ट आउट हो गई। काफ़ी बच्चों ने ईमेल किया, मैंने भी खुद ईमेल करवाया था काफ़ी बच्चों से, बोर्ड को, आयोग को, और काफ़ी वहाँ पे कॉल करे हुए भी पता किया। जैसे कि आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, कितनी मिल जाएगी, यूपी पुलिस की जो मेरी प्लेलिस्ट है वहाँ पे मिल जाएगी। यहाँ पे मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि ऑब्जेक्शन का लिंक आ गया है, आप जाके अभी अभी लिंक आया है आप तुरंत जाके ऑब्जेक्शन डालिए। देखिए मैं यहाँ पे आपको दिखा दे रहा हूँ कि ऑब्जेक्शन का लिंक कैसे आया है और कैसे आपको अप्लाई करना है। देखिए डेट तो वही है, अभी डेट तो फ़िलहाल वही है ऑब्जेक्शन करने की, और मात्र आप समझिए आपके पास 2 घंटा बचा है। यहाँ पर क्लिक कीजिए, यहाँ पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालिए। और यहाँ पर देखिए यहाँ पे जो चौथा ऑप्शन था, पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन मास्टर क्वेश्चन पेपर, तीसरा ऑप्शन मास्टर आंसर की, चौथा ऑप्शन जैसा कि मैं बता रहा था कि आपको नहीं मिल रहा है ऑब्जेक्शन की ऑब्जेक्शन फॉर्म वाला, तो ये ऑप्शन आ चुका है। अब आपको ऑब्जेक्शन करना कैसे करना है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। यहाँ पर जाना है सीधे ऑब्जेक्शन लिंक में, यहाँ पर प्लस बटन पर क्लिक करना है। प्लस बटन क्लिक करने के बाद वेट करना है थोड़ी देर। वेट करने के बाद देखिए यहाँ पे पोस्ट, डेट ऑफ एग्ज़ाम, ये सब कुछ ऑटोमेटिक आ जाएगा शिफ्ट। उसके बाद आपको क्वेश्चन पेपर नंबर सेलेक्ट करना है, कौन सा क्वेश्चन पेपर है, क्वेश्चन पेपर आपका सेलेक्ट करना है। क्वेश्चन पेपर देखिए यहाँ पे एक ही क्वेश्चन पेपर दे रहा है, यानी कि मास्टर क्वेश्चन पेपर जो उसने दिया है केवल उसी क्वेश्चन पेपर पर आपको ऑब्जेक्शन करना है। मास्टर क्वेश्चन पेपर सेलेक्ट कीजिए। मास्टर क्वेश्चन पेपर सेलेक्ट करने के बाद आप मास्टर क्वेश्चन पेपर सेलेक्ट, क्वेश्चन नंबर इसमें कौन सा क्वेश्चन नंबर आपका गलत है वो सेलेक्ट करना है आपको। जैसे मान लीजिए सेलेक्ट कर लिया मैंने 10 20 कुछ भी। उसके बाद नेचर ऑफ ऑब्जेक्शन, मतलब कि आपको किस तरह से कितने, मतलब चार दिए गए हैं, चारों में से कोई एक सेलेक्ट, मतलब कि प्रश्न गलत है, प्रश्न जिसके सभी उत्तर गलत है, प्रश्न जिसके गलत विकल्प को सही इंगित किया गया है, प्रश्न जिसमें एक से अधिक उत्तर विकल्प है सही है, प्रश्न जिसके अनुवाद में त्रुटि है, ये सब आपको यहाँ पे जो भी है करना है। और उसके बाद यहाँ पे आपको रिमार्क में कुछ लिखना है, और देखिए पूरा प्रोसेस इंग्लिश लैंग्वेज में होगा। और यहाँ पे क्लिक क्लिक हियर टू अपलोड पे करना, मतलब कि आपके पास फ़ोटो हो तो अपने आप पेपर की फ़ोटो खींच के यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद सबमिट पे क्लिक करना है और देन आपका सबमिट हो गया। अभी मैं एक लाइव करके दिखा दूँगा आपको, इस वीडियो अगली वीडियो जो आएगी इसमें एक लाइव करके एक पेपर मैं अभी जा रहा हूँ लेने किसी से, उस पेपर से मैं आपको एक लाइव कैसे होता है ऑब्जेक्शन वो करके दिखा दूंगा। दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन जरूर दबाइएगा जिससे कोई भी नोटिफिकेशन और अपडेट आप मिस ना कर पाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।